बागपत में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा के घर दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां सास और बहू की गला काट कर हत्या कर दी गई। हत्या को बेहद ही शार्प तरीके से अंजाम दिया गया। वहीं दिन दहाड़े हुई डबल मर्डर की वारदात के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वहीं एसपी बागपत के मुताबिक घटना को अंजाम किसी करीबी ने दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये आप लोगों को बताना है कि थाना छपरौली के हलालपुर गांव में लगभग 4 बजे सूचना आई थी कि 2 महिलाएं जो हैं उम्रत अवस्था में पड़ी हैं, और तत्काल सूचना मिलते ही थाना छपरौली पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर आके पता चला 2 महिलाएं जिनका नाम है वर्षा और सरोज, सरोज जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, वर्षा जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी गला काट के किसी ने हत्या कर दी है। और इसमें अभी बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इसमें कुछ हमें क्लू मिले हैं जिसमें इनके परिवार के ही जो एक व्यक्ति है उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। उसको भी अभी प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है, और मौके पे अभी पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति अभी नहीं है, और बाकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जो इनका पुत्र है उसको अभी हिरासत में लिया गया है, उसके अभी कुछ चोट थी, उसको उपचार कराने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है।